नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 9 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने विभिन्न विकास कार्यों का किया शुभारंभ। जिले की फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों को दे प्राथमिकता, विधायक भंडप्पा खाशमपुर ने कही है बात। बेंगलुरु में केएसआरटीसी और एनडब्ल्यूकेआरटीसी बसों के बीच टक्कर, कुछ घायल। बीजापुर पुलिस ने चोरों के गिरोह के 7 लोगों को किया गिरफ्तार। आजम खां के हाथ से छिन गई जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर प्रशासन ने वापस ली 70 हेक्टेयर जमीन। अब देखते हैं समाचार स्थानीय। पशुपालन और जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने 9 सितंबर को औराद और कमलनगर तालुका के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। सुंदला गांव में ग्राम पंचायत के नए भवन का लोकार्पण किया। नागमारपल्ली में नए क्लासरूम का उद्घाटन किया। इसके अलावा सड़क आदि कार्यों का शुभारंभ किया। बीदर शहर की कुलसुम गली वार्ड नंबर 3 में लोगों को पिछले 20 साल से पेयजल की समस्या है। इस संबंध में लोगों ने नगर सभा और विधायक से भी शिकायत की है, लेकिन समस्या का हल नहीं किया गया है। लोग विधायक रहीम खान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पत्री की ये गुलशन गली है, यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है। तकरीबन 20 साल से यहाँ पे पानी की किल्लत है। यहाँ पे जो भी म्यूनसिपालिटी के जो भी काउंसलर है अब तक कोई काम नहीं करे। अब ये कांग्रेस की यहाँ पे हुकूमत के काउंसलर बने हैं, तो रहीम खान से हमारी अपील है और गुजारिश है कि यहाँ पे पानी की किल्लत जो भी हो रही है वो पहले सॉल्व करें। कितने साल से यहाँ पे 20 साल से पानी की किल्लत है। कनेक्शन यहाँ पे पूरा है लेकिन पूरा फ्लॉप हो गए यहाँ पे, क्योंकि कनेक्शन कट ऑफ हो गए यहाँ पे। तो हम ये अपील कर रहे हैं हमारे काउंसलर साहब से और हमारे MLA साहब से कि आप कुछ एक्शन लें, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि आपके काउंसलर ही। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने कहा कि जिले में कारखानों में स्थानीय लोगों को उच्च प्राथमिकता दी जाए, जमीन गंवाने वालों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शहर के नौबाद जिले के सहरदा प्रशिक्षण संस्थान सभागार में वह जिला उद्योग उन्नति एवं शिकायत की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोलार सहित अन्य क्षेत्र में लोगों ने कारखानों के लिए अपनी जमीन खोई है। ऐसे लोगों को कारखानों में अधिक पद दिए जाने चाहिए। मैं 13 सितंबर से शुरू होने वाले सत्र में अपनी ओर से उद्योगों के विकास के बारे में बात करूंगा। मैं शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने का काम करता हूं। सरकार को लोगों की भलाई के लिए प्रयास करना चाहिए। जिले में रासायनिक उद्योगों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चल रहे उद्योग में सभी मानकों का पालन किया जाना चाहिए। ಇವ್ರೇನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಮಂದಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಡೆದವ, ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲತೆಯಿಂದ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಶುರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡಿಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು मनुष्य। अब समाचार राज्य के। बीजापुर में आज AICCTU द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन। उन्होंने मांग की के हाल ही में कचरा उठाने वाली मशीन गिरने से नगर निगम के कर्मियों की मौत हुई है। उनके परिजनों को नौकरी और 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। महानगर पालिके कचेरी मुंदे मोन्ने 9 तारीख ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅವಘಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೇರ ವೇತನ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಸು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿವತ್ತು ಒಂದು ಮನವಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಏನು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅವಘಡ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಿತ ಮಾನವ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಯಂ ನೌಕರಾದಂಥ ರಫೀಕ್ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇದಾವೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದಾರ ನೇಮಕಾತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ನೌಕರಾದಂಥ ಅಯೂಬ್ ಶೇಖ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಕರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಪಿ ಸುನೀಲ್ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮಾನವ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಏನೋ ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ
ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಒಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲವಷ್ಟು ಅವರೇನು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಫ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಹಿತ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರಿ ನಾವೇನು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಾವು ಆಫೀಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಇ ಎಸ್ ಐ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪಿ ಎಫ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಂತಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಘಟನೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು ರಿಪೇರಿ ತಮಗೂ ಗಮನಕ್ಕಿದೆ, ನಗರ ಜನರಿಗೂ ಸಹಿತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಅಧಿಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. शुक्रवार सुबह बेंगलुरु के राजाजीनगर के राजकुमार रोड पर कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम की बस और उत्तर पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम की बसों की आमने सामने की टक्कर में कुछ लोग घायल हो गए. राजाजीनगर ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर ईवीआरई अगले 6 महीनों में शहर में 200 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा. बेंगलुरु के साथ कंपनी मूविंग के साथ साझेदारी में पूरे भारत में 1000 इलेक्ट्रोवोल्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है, जो शहरी गतिशीलता के लिए एक तकनीकी सक्षम इलेक्ट्रिक फ्लीट स्टार्टअप है. ईवीआरई ने कहा है कि वह चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अवधारणा, डिजाइन, निर्माण, स्थापना, संचालन और रखरखाव करेगा. मूविंग मांग के आकलन में मदद करेगा कि उच्च उपयोग के लिए स्टेशनों को कहां स्थापित किया जाना चाहिए. ईवीआरई चार्जर्स के लिए तकनीक भी उपलब्ध कराएगा. बीजापुर पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बीजापुर पुलिस ने घरों, एटीएम और दुकानों में चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. कुमार ने कहा, पिछले कई दिनों से आसपास के शहरों और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के शहरों में लगातार चोरी करने वाले 11 लोगों के गिरोह में से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके पास से 16,20,000 के सोने के गहने, 8,000 के चांदी के आभूषण, 10,000 रुपए मूल्य का एक वीवो फोन और 5,00,000 की बुलेरो वाहन जब्त किया है. कुल 21,20,000 के मूल्य के वस्तु बरामद किए गए हैं. एसपी आनंद कुमार ने इस सफलतापूर्वक काम को अंजाम देने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को नगद पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया है. कुमार ने कहा कि जल्द ही जिले को अपराध मुक्त किया जाएगा. ಮತ್ತು ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 356 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳು, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ 16,02,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು 200 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿವೊ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಬೊಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನ ಒಂದು 5,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಾಹನ, ಇವುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ತಂಡ ನಾವು ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಭೇದಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ ಆರೋಪಿತರುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ 7 ಜನ ಆರೋಪಿತರುಗಳನ್ನು ಬಂಧನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು. ಬಿಜಾಪುರ್ ಶಹರ್ ಮೇ ಎಂಐಎಂ ದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೆ ನಾಮ ಜ್ಞಾಪನ್ ದೇಕರ್ ಬತಾಯಾ ಕಿ 27 ಅಗಸ್ಟ್ ಕೋ ದಿಲ್ಲಿ ಮೇ ಮಹಿಳಾ ಪುಲಿಸ್ ಕರ್ಮಿ ಸಬಿಯಾ ಸೈಫಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಔರ್ ಉಸ್ಕಿ ಹತ್ಯಾ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋ ಕೋ
अभी तक कानून के दायरे में नहीं लाया गया है। इन अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। इसके अलावा MIM ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जारी चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे आज तक पूरे नहीं किए गए हैं। सरकार सभी मोर्चों पर विफल हुई है। 27 August 2017 ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಭಾಳ ಅಸೂರಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಆ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕಂತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೆಯಾಗಿದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. BJP ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಲೋಗನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಸ್ಲೋಗನಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಫಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ BJP ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚ ಆ ಏನೋ ಸಹೋದರಿ ರಾಬಿಯಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದರ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಪಾಪ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ನಮಗೆ ಭಾಳ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರೂ ಸುರಕ್ಷಿತರಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹೋದರಿಯರ ಭಾಳ ಅಸುನಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಬಿಜಾಪುರ ಮೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮಿತಿ ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಕೆ ZB ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಪೂರ್ವ ಮಂತ್ರಿ ವ ವಿಧಾಯಕ MB ಪಾಟೀಲ್ ನೇ ಕಿಯಾ. इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर बरसे. नरेंद्र मोदी और जन हेतार इवतु निम्ब अच्छे दिन वापस तकोरी नहीं बरकित मुंचे ऐनो नम के दिन आट दिन नम वापस को दिन 60 रूपये पेट्रोल 80 रूपये अड़के सिलेंडर डीजेल ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಜನ ಸುಖದಿಂದ ಬಾಳಿದ್ರು. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮಾನ್ ಭಾಷೆದಾಗ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆದಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಆಪ್ಕ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ವಾಪಸ್ ಲೇ ಲೋ ಆಪ್ ಆನೆ ಸೇ ಪಹಲೆ ಜೋ ಬುರೇ ದಿನ ತೆ ವೋ ಬುರೇ ದಿನ ಹಮಾರೆ ಕೋ ವಾಪಸ್ ದೋ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಉಸ್ ಬುರೇ ದಿನ ಮೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 60 ರೂಪಾಯಿ ತಾ, ಡಿಜೇಲ್ 60 ರೂಪಾಯಿ ತಾ, ಹಮಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ 380 ರೂಪಾಯಿ ತಾ, ಹಮಾರೆ ಸಬ್ಕೋ ನೌಕರಿ ತಾ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಚ್ಚಾ ಚಲ್ ರಹಾ ತಾ ಔರ್ ಖೇತಿ ಬಾಜಿ ಭೀ ಅಚ್ಚಾ ಚಲ್ ರಹಾ ತಾ ಲೇಕಿನ್ ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ये अच्छे दिन नहीं, ये बुरा दिन है. जो बुरा दिन जो था अच्छा अच्छे दिन तो वो UPA सरकार में को 10 वर्ष जो मनमोहन सिंह कांग्रेस का जो प्रधानमंत्री था तो वो अच्छा दिन था. और तो सबके साथ सबके विकास रैली सबके साथ हुई ला विकास हुई ला. अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद. हिंदुस्तान के हर कोने में हम है मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7. शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है, इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है. बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है VK इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री BEd कॉलेज. विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व BEd की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें. आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल VK इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री
बीएड कॉलेज, विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर 8555001972। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल के पी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग के पी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर पर कॉन्टेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। रामपुर जिला प्रशासन ने कल मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से 70 हेक्टेयर से अधिक भूमि वापस ले ली है। तहसीलदार प्रमोद कुमार ने कहा, उच्च न्यायालय ने बेदखली की प्रक्रिया के खिलाफ अपील खारिज कर दी थी, आज हम यहां कब्जा लेने आए हैं। बता दें कि विश्वविद्यालय की जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जाने के खिलाफ समाजवादी पार्टी सांसद आजम खां की याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद अब यह यूनिवर्सिटी खां के हाथ से छीन गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर बाराबंकी जिले में भड़काऊ भाषण के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने का मामला दर्ज किया गया है। ओवैसी ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि प्रशासन ने इस साल की शुरुआत में एक सदी पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया था। पुलिस ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। बाराबंकी के एसपी यमुना प्रसाद ने कहा कि ओवैसी पर गुरुवार रात भारतीय दंड संहित धारा के साथ महामारी रोग अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और बैठक के लिए निर्धारित शर्तों के तहत मामला दर्ज किया गया है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी से टिकट नहीं मिलेगा। बीएसपी के इस फैसले को मायावती का मुख्तार अंसारी से मोहभंग के तौर पर देखा जा रहा है। मायावती ने ट्वीट करके ये साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बाहुबली और माफियाओं को टिकट नहीं देगी। मऊ सीट से भीम राजभर बीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू में कहा है कि वे और उनका परिवार कश्मीरी पंडित है। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी वे जम्मू कश्मीर आते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने घर पर आया हूं। राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों को लेकर कहा कि वे उनकी सहायता करेंगे। राहुल गांधी फिलहाल जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और शुक्रवार को जम्मू में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बयान दिया है। गुरुवार को राहुल गांधी कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे और रात को भी वहीं पर रुके। अभिनेता पार्थ समथान और दीक्षा सिंह, प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल के आगामी रोमांटिक सिंगल रिमझिम के वीडियो में नजर आएंगे। देखते हैं खेल जगत के समाचार। मेसी ने तोड़ा पेले का 50 साल पुराना रिकॉर्ड। 34 साल के मेसी ने अर्जेंटीना की गुरुवार को विश्व कप क्वालिफाइंग मैच में बोलिविया पर 3-0 की जीत के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। अंत में समाचार बाजार के। इस त्योहार सीजन में रुला सकती है प्याज की कीमतें। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 की तुलना में इस वर्ष भी प्याज की कीमतों में 100% से अधिक की वृद्धि की संभावना है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने विभिन्न विकास कार्यों का किया शुभारंभ। जिले की फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों को दे प्राथमिकता, विधायक भंडपा खाशमपुर ने कही यह बात।
बेंगलुरु में केएसआरटीसी और एनडब्ल्यूकेआरटीसी बसों के बीच टक्कर, कुछ घायल। बीजापुर पुलिस ने चोरों के गिरोह के 7 लोगों को किया गिरफ्तार। आजम खां के हाथ से छिन गई जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर प्रशासन ने वापस ली 70 हेक्टेयर जमीन। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।